आई एम श्योर कि आप सबने पैसिव इनकम के बारे में जरूर सुना होगा। हमें हर जगह यही सुनाई देता है कि अगर आपको अमीर बनना है तो आपको सोते सोते पैसे कमाना ना चाहिए, नहीं तो आप लाइफ टाइम पैसे के पीछे भागते ही रहोगे। बट सैडली कोई हमें ये नहीं बताता कि आखिर पैसिव इनकम जनरेट कैसे की जाती है। तो अगर आप भी इसी कंफ्यूजन में हैं, तो डोंट वरी, आज मैं आपको 8 ऐसे पैसिव इनकम के आइडियाज बताने वाला हूँ जिनका इस्तेमाल करके आप एक अच्छी खासी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। और सबसे अच्छी बात तो इनमें से कुछ ऐसे आइडियाज हैं जिसमें आपको कोई पैसा लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों सबसे पहले हम इनकम के बारे में जान लेते हैं कि बेसिकली इनकम दो तरह की होती है, पहली एक्टिव इनकम और दूसरी पैसिव इनकम। एक्टिव इनकम वो होती है जहाँ पर आप जब तक एक्टिवली काम करते रहोगे तभी आपको पैसा मिलेगा। जैसे कि कहीं पर आप जॉब करते हो और बदले में आपका बॉस आपको एक सैलरी पे करता है, बट किसी वजह से आप काम नहीं कर पाते हो तो आपकी सैलरी भी नहीं मिलेगी। और दूसरी तरफ पैसिव इनकम वो होती है जहाँ पर हमें एक्टिवली काम करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जब आप सो भी रहे होते हैं तब भी आप पैसा कमा रहे होंगे। बट पर लोगों की एक गलत फहमी ये है कि उन्हें लगता है कि अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जैसे उनका कोई स्मॉल बिजनेस है, तो वो पैसिव इनकम कमा रहे हैं। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मान लो कि आपकी एक बर्गर की शॉप है, तो अगर आप वहाँ पर डेली नहीं जाओगे तो आपका काम नहीं चलने वाला है, और वो जब तक आपकी पैसिव इनकम नहीं होगी तब तक की वो बिजनेस पूरी तरीके से दूसरे लोग संभालने न लग जाए। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि आखिर पैसिव इनकम होती क्या है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि आप किन किन सोर्स से पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। तो होता है आइडिया नंबर 1, रियल एस्टेट। अब रियल एस्टेट में आप कई तरीके से पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। इसमें सबसे पहले मान लो कि आपका कोई फ्लैट है या कोई बनी बनाई प्रॉपर्टी है, आप उसे रेंट पर दे सकते हो और उससे आपको एक फिक्स्ड महीने की इनकम रेंट के रूप में मिलती रहेगी। एक और तरीका, मान लो कि आपका एक अच्छा सा फ्लैट है और एक अच्छी लोकेलिटी में है, तो आप इसे एयरबीएनबी पर लिस्ट कर सकते हो। यहाँ से लोग आकर आपके घर में 3-4 दिनों तक रह सकते हैं। आप में से कुछ लोगों ने एयरबीएनबी का नाम सुना होगा। इंडिया में तो अभी इसका इस्तेमाल लोग कम करते हैं, बट बाहर के देशों में अगर आप ट्रेवल करने जाओगे और आप चाहते हो कि आपको होटल्स में नहीं रहना है, तो आप एयरबीएनबी पर लिस्टेड दूसरे लोगों के घरों में कुछ दिनों तक रह सकते हो और हर दिन के हिसाब से आपको रेंट पे करना होता है, और ये कॉन्सेप्ट काफी सही है। एक और तरीका, अगर आपके पास एक अच्छी खासी बड़ी जगह है तो आप एक वेयर हाउस किराए पर दे सकते हो। आज के टाइम पर अमेजोन और फ्लिपकार्ट ये लोग आपके घर पर डिलीवरी करते हैं, तो इन्हें अपना सामान रखने के लिए वेयर हाउसेस की जरूरत पड़ती है। तो अगर आपके पास कोई बड़ी सी जगह है तो आप इन लोगों को ये रेंट पर दे सकते हो। अब आता है आइडिया नंबर 2, स्किल्स। अक्सर लोग ये बोलते हैं कि हमारे यहाँ जॉब की बहुत कमी है, हमने डिग्री तो ले ली है बट हमें कोई जॉब ही नहीं मिल रही। वेल सच बताऊं तो हमारे यहाँ स्किलफुल लोगों की बहुत ही कमी है। जैसे अभी मैंने अपने इस YouTube चैनल के लिए एक टीम बनाने का सोचा, जिसमें मुझे ऐसे लोग चाहिए थे जो इस तरह के एनिमेशन वीडियो बना सके और स्क्रिप्ट लिख सके, बट फ्रेंकली हमारे यहाँ इस तरह के स्किलफुल लोगों की बहुत ही शॉर्टेज है। तो आप सभी के लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि आप लोग इस तरह की स्किल को सीख कर आप दूसरे लोगों के लिए काम कर सकते हो। जैसे कि इस टाइम पर इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर आ चुके हैं जिन्हें टाइम टू टाइम कंटेंट राइटिंग, वीडियो एडिटिंग और या फिर यूट्यूब के लिए थंबनेल्स बनाने की जरूरत पड़ती है। तो आप इस तरह की स्किल सीख कर उन लोगों से कॉन्टेक्ट कर सकते हो और उसके बाद आप अपने लिए एक अर्निंग का सोर्स जनरेट कर सकते हो। अब मान लो कि आपने ये स्किल सीख भी ली है, बट इन लोगों से कॉन्टेक्ट कैसे किया जाए? वेल, उसका सबसे बेस्ट तरीका है कि आप किसी भी यूट्यूबर के चैनल के अबाउट सेक्शन में जाओगे तो वहाँ पर वो लोग अपनी ईमेल आईडी देते हैं। आप वहाँ से उन्हें ईमेल करके अपना काम दिखा सकते हो और उनसे काम ले सकते हो। और धीरे धीरे अगर आप ज्यादा लोगों के लिए कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट कर देते हो तो आप अपनी खुद की टीम बिल्ड करके अपना एक बिजनेस क्रिएट कर सकते हो और काफी लोगों से काम करवा सकते हो। और इस तरह अगर आपकी स्किल्स अच्छी है तो लोग आपको कहीं ज्यादा पे करने को तैयार हो जाएंगे। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा तरीका है अपने लिए पैसा कमाने का। अब आता है आइडिया नंबर 3, क्रिएट योर ओन वर्क। अगर आप किसी भी स्किल को सीख जाते हो तो आप उसे बेच सकते हो, या तो आप किसी के लिए काम कर सकते हो, फ्रीलांसिंग कर सकते हो, या फिर आप खुद का एक कोर्स क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि आप किसी भी फील्ड में एक्सपर्ट हो, वो चाहे वीडियो एडिटिंग हो या किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की आपको नॉलेज हो, या फिर आप किसी भी सब्जेक्ट में एक्सपर्ट हो, तो आप उसका एक कोर्स बनाकर उसे यूडेमी, स्किल शेयर जैसे प्लेटफॉर्म पर सेल कर सकते हो। इसमें बस आपकी एक बार मेहनत लगेगी पूरे कोर्स को शूट और एडिट करने में, उसके बाद लाइफ टाइम आप इससे पैसे कमाते रहोगे। और आपने देखा होगा
होगा कि बहुत से ऐसे यूट्यूबर हैं जिनके चाहे सब्सक्राइबर ज्यादा होते भी नहीं है, बट फिर भी वो अपना कोर्स सेल करके लाखों करोड़ों कमाते हैं। तो आप भी ये चीज कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपके पास एक अच्छी कम्युनिटी है, अब चाहे वो यूट्यूब पर हो या फिर इंस्टाग्राम पर, आप उन्हें ई बुक लिखकर भी सेल कर सकते हो। अब जैसे ई बुक की बात आती है तो हमें लगता है कि हमें 200-300 पेज की बुक लिखनी पड़ेगी, जी बिल्कुल भी नहीं। आप 60-70 पेज की एक बुक लिख सकते हो और उसे सेल कर सकते हो। और आप चाहो तो अपनी बुक को अमेजोन किंडल पर फ्री में लिस्ट भी कर सकते हो, जहां से पूरी दुनिया में उस बुक को कोई भी खरीद सकता है और लाइफ टाइम आपको उसकी रॉयल्टी मिलती रहेगी। इस तरह अगर आप किसी भी फील्ड में माहिर हो तो आप अपना खुद का कंटेंट क्रिएट करके अपनी स्किल को और अच्छे से मोनेटाइज करके, जिसे एक बार बनाने के बाद आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा और आपकी एक अच्छी खासी पैसिव इनकम जनरेट हो जाएगी। अब आता है आइडिया नंबर 4, रेंटिंग। रेंटिंग एक बहुत ही अच्छा सोर्स हो सकता है आपकी पैसिव इनकम का। आप चाहो तो कुछ चीजों को रेंट पर देकर उसके बदले में पैसे चार्ज कर सकते हो। जैसे मान लो कि आपने एक कार लोन पर खरीदी है, अब देखा जाए तो ये आपके लिए एक लायबिलिटी हो चुकी है, क्योंकि अब आपको उस कार की ईएमआई पे करनी पड़ेगी। बट आप उस कार को किसी टैक्सी वाली कंपनी को रेंट पर दे देते हो, जिससे कि वो टैक्सी की कंपनी उसके बदले में आपको एक फिक्स्ड अमाउंट पे करती है और आप उससे अपनी ईएमआई चुकाते जाते हो और कुछ सालों में आपकी कार की पूरी ईएमआई खत्म हो जाएगी। देन उसके बाद जो भी कार से आपकी इनकम होगी वो आपकी पैसिव इनकम होगी। इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा मेहनत भी नहीं करनी है। उसी तरह आप अपने घर को रेंट पर दे सकते हो या फिर कोई अपार्टमेंट को खरीद कर उसे रेंट पर दे सकते हो, जिससे आपको हर महीने रेंट मिलता रहेगा और आप उससे भी पैसे कमाते रहोगे। अब आता है आइडिया नंबर 5, स्टॉक्स। जब भी बात होती है स्टॉक्स की तो पैसा कमाने का ये काफी अच्छा तरीका है। स्टॉक्स में पैसे लगाने का मतलब आप किसी भी बिजनेस जिसको आप पसंद करते हो या जिसकी आपको समझ है, आप उसमें पैसे लगाते हो और आप उस कंपनी के एक छोटे से हिस्से के मालिक बन जाते हो। और जब आप स्टॉक्स में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो अब आप पैसों के लिए नहीं जबकि पैसा आपके लिए काम करता है। आइडिया नंबर 6, एफिलिएट मार्केटिंग। आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स के वीडियो में देखे होंगे, जैसे जो टेक यूट्यूबर होते हैं वो जब भी किसी प्रोडक्ट का रिव्यू करते हैं और उसका लिंक वो अपने डिस्क्रिप्शन में दे देते हैं, अब चाहे वो कोई स्मार्टफोन हो या फिर कोई लैपटॉप हो। तो अगर आप उनके लिंक से जाकर उस प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हो तो आपको प्रोडक्ट उसी प्राइस में मिलता है जो उसकी कीमत है, बस उस क्रिएटर को उसके बदले में एक्स्ट्रा 3-8% तक का कमीशन मिल जाता है। तो इसमें दोनों का फायदा होता है। तो अगर आपके पास ऐसी ऑडियंस है, चाहे वो आपके यूट्यूब चैनल से हो या फिर आपकी वेबसाइट से, तो आप इस एफिलिएट प्रोग्राम से अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। अब आता है आइडिया नंबर 7, सेल स्टॉक फोटोज और वीडियोस। अगर आप फोटोग्राफी में अच्छे हो तो आप इससे भी एक पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। एग्जांपल के लिए आज बहुत सारी ऐसी वेबसाइट हैं जिन्हें स्टॉक फोटोज और वीडियोस की जरूरत होती है। तो अगर आप फोटोग्राफी कर सकते हो या फिर वीडियो बना सकते हो तो आप इन वेबसाइट पर अपना काम लिस्ट कर सकते हो और जब भी कोई इन फोटोज या वीडियोस को डाउनलोड करेगा तो बदले में आपको कुछ कमीशन मिलेगा। और ना केवल एक बार, जितनी बार भी आपके काम को कोई डाउनलोड करेगा तो हमेशा के लिए आपको उसका कमीशन मिलता रहेगा। मतलब कि आपने ये फोटो एक बार खींची और हमेशा के लिए आपको पैसा मिलता रहेगा। तो ये भी एक बहुत ही अच्छा तरीका है पैसिव इनकम बनाने का। आइडिया नंबर 8, बिकम ए बिजनेस पार्टनर। हो सकता है कि आप अभी जॉब करते हो या फिर पढ़ाई कर रहे हो और आपका सपना हो सकता है कि एक बिजनेस ओपन करने का, बट या तो अभी आपके पास टाइम नहीं है या फिर इतना पैसा नहीं है कि आप एक बड़ा बिजनेस खोल सको। तो उसके लिए आपको किसी के साथ पार्टनरशिप में एक छोटा सा बिजनेस खोल सकते हो, जिसमें आपका और आपके पार्टनर का 50-50% रहेगा और उसके लिए आपको ज्यादा टाइम देने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। जैसे कि मान लो आप एक ऐसे एरिया में जहां पर काफी सारे ऑफिसेज है, वहां पर आप एक कॉफी की शॉप ओपन करना चाहते हो जहां पर लोग तो काफी होते हैं बट उन्हें एक अच्छी कॉफी नहीं, तो आप चाहो तो एक छोटी सी कॉफी की शॉप ओपन कर सकते हो। उसके लिए आप या तो किसी के साथ पार्टनरशिप कर सकते हो जिसमें आपका पार्टनर उस शॉप को चलाएगा और आपका बस पैसा इन्वेस्ट होगा, या फिर आप लोगों को हायर कर सकते हो जिससे आपको अपना पूरा टाइम उस बिजनेस में नहीं देना पड़ेगा और एक अच्छी पैसिव इनकम स्ट्रीम आपके लिए तैयार हो जाएगी। तो दोस्तों, ये थे वो 8 पैसिव इनकम आइडियाज जिसे आप अपने लिए एक साइड बिजनेस जनरेट कर सकते हो। और इन्हें करने के लिए आपको अपनी फुल टाइम जॉब या स्टडी को छोड़ने की जरूरत भी नहीं है। आप अपनी स्टडीज के साथ या फिर जॉब के साथ इन्हें स्टार्ट कर सकते हो और धीरे धीरे ग्रो करके इन्हें अपना मेन बिजनेस भी बना सकते हो। तो आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और अगर आप इसी तरह का कंटेंट देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं इसी तरह के वीडियोस लाते रहता हूं। और अगर आप किसी भी टॉपिक या बुक पर वीडियो चाहते हैं तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, मैं उस पर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।